मंत्री जी और श्री बिरला श्रीमती बिरला मंडला जी समेत यहाँ पर आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग सभी उपस्थित माताएं बहने सभी मेरे नौजवान साथियों उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज महानवमी का भी दिवस है। इस महानवमी के दिवस पर आप सभी को अपनी ओर से और भक्ति और शक्ति के प्रति दुर्गा महोत्सव जो कि आप सबके द्वारा यहाँ पर आयोजित हो रहा है, इस दुर्गा महोत्सव की आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आज इस पावन नवरात्रों के अवसर पर आप सबके बीच में आकर एक भव्य और बहुत ही दिव्य जिस मंदिर में आप सब लोगों ने अपना योगदान दिया है, इस भव्य मंदिर का उद्घाटन करने का अवसर प्रदान हुआ और मैंने आज माँ दुर्गा से आप सभी की खुशहाली की कामना की है। ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और मैं इसके लिए हमारे पूरे बंगाली समाज का बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी अपने बहुत सीमित संसाधनों में अभावों में परेशानियों में उन्होंने मेहनत से परिश्रम से लगन से एकजुटता से इतने भव्य और दिव्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया है। ये वास्तव में आप सब लोगों को जितनी मैं जितनी बधाई दूं, जितनी आपकी मैं प्रशंसा करूं, उतनी मेरे लिए कम है। आज के इस अवसर पर मैं स्वामी विवेकानंद जी को, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय जी को, राजा राम मोहन राय सहित बंगाल के महान संतों को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस समाज को एक रास्ता दिखाया, जिन्होंने एक मार्ग दिखाया, आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया, जिन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा, कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा आगे बढ़ते रहे, संघर्षों को अपनाते रहे लेकिन पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, उस समाज का आप सब लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को भी जीवन करने का काम, उस आजादी की लड़ाई को भी आगे बढ़ाने का काम और उसमें नई ऊर्जा भरने का काम हमारे इस समाज के लोगों में से, चाहे मैं आज स्मरण करूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम कौन भूल सकता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कश्मीर के अंदर जाकर अपने प्राणों का बलिदान दिया और उन्होंने तब नारा दिया था कि धारा 370 कश्मीर से समाप्त होनी चाहिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए। तब उन्होंने नारा दिया था कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। उस कश्मीर को बचाने के लिए चाहे शहीद खुदीराम बोस हो, शहीद प्रफुल्ल चाकी हो, मास्टरदा सूर्य सेन और बाधा जतिन को भी मैं आज के इस अवसर पर नमन करना चाहता हूं। जब आप सबके बीच में आया हूं, भाई बहनों, भाइयों बहनों, बंगाल की भूमि से निकले अनेकों महान व्यक्तियों ने जब जब जैसी समाज को आवश्यकता पड़ी, जब जब देश को उनकी आवश्यकता पड़ी, जब जब समाज को उनकी आवश्यकता पड़ी, शस्त्र और शास्त्र से, त्याग और तपस्या से उन्होंने समाज की भी सेवा की और मां भारती की भी सेवा की और देश को आजाद कराने के लिए भी वो कभी पीछे नहीं रहते, हमेशा अग्रणी पंक्ति में उन्होंने अपना योगदान दिया। भाइयों बहनों, चेतना हो, अध्यात्म हो, विज्ञान हो या कला हो या संस्कृति हो, हर क्षेत्र में बंगाल ने देश को प्रगति की राह दिखाने का काम किया है। हमेशा पूरी दुनिया में भारत के नाम को
रोशन करने का काम भी समाज के लोगों ने किया है। आज के भारत को बनने में निश्चित रूप से हमारे बंगाल के समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इतने नाम है, अगर मैं उनके नाम लेना चाहूँ कुशीत जी, तो हमारे वहां रहते हैं रामपाल जी, रोज हमारे बंगाली समाज के बीच में अनेकों कार्यक्रम करते हैं और हर चुनाव में इनको आगे बढ़ाने का काम भी हमारा बंगाल का समाज करता है। हमेशा इनके पीछे, हमेशा जो है कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलने का काम करता है, चाहे आज वो हमारा नानक माता क्षेत्र हो, चाहे वो आज फटीमा का क्षेत्र हो, सितारगंज हो, इच्छा हो, शक्ति फार्म का क्षेत्र हो, या हमारा रुद्रपुर का क्षेत्र हो, या दिनेशपुर गुलर भूत का क्षेत्र हो। कैसे हम भूल सकते हैं उस समाज को? इस समाज ने हमेशा हमको ताकत देने का काम किया है भाइयों बहनों, और मैं इस समाज के उन सभी लोगों को याद करूं, उन सबका मैं स्मरण आज के अवसर पर करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने समाज के लिए हमेशा अपने आप को आगे करने का काम किया, अपने आप को कहीं ना कहीं उन्होंने होम करने का काम किया। अगर मैं उनके नाम लूंगा तो इतने नाम हैं कि सुबह से लेकर शाम हो जाएगी लेकिन वो नाम पूरे नहीं होंगे, जिन्होंने देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाई बहनों, जब आपका अपरंपरा हो, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो, तो स्थान स्थिति परिस्थिति से आगे बढ़कर पूरा देश बंगाल में हो जाता है। दुर्गा पूजा पर जो ये पर्व है, हम बचपन से देखते आए हैं, इस पर्व पर अनेकों जगह पर कहीं दुर्गा पूजा होती है, कहीं काली पूजा होती है, और कहीं पर हर जगह पर देवी की उपासना का एक पर्व पूर्णता के साथ मनाया जाता है। बंगाल की दुर्गा पूजा भारत की इस पूर्णता को कहीं ना कहीं एक नई चमक देने का काम करती है, नई ऊर्जा देने का काम करती है, नए रंग देती है और नए श्रृंगार देती है। माँ का श्रृंगार करते हैं, माँ और प्रकृति हम सबको कहीं ना कहीं उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम करती है। ये बंगाल की जागृत चेतना, बंगाल की आधुनिकता, बंगाल की ऐतिहासिकता का प्रभाव है। आज के इस अवसर पर मैं नारी शक्ति को भी, अपनी मातृशक्ति को भी नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि नारी शक्ति उन सभी चुनौतियों को परास्त करने की ताकत रखती है जिन्हें हम मुश्किल समझते हैं। हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से और माँ दुर्गा का जब हम कहीं ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो कठिन से कठिन असाध्य जो कार्य होते हैं वह भी माँ हमको अपने आशीर्वाद से साध्य कर देती है। और हमारे शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्तु देवता, यानी कि जहां जहां भी मातृशक्ति का, नारी शक्ति का पूजन होता है, उनका सम्मान होता है, अपने आसपास होती है, तो वहां देवताओं का भी वास होता है, देवता भी वहां विचरण करते हैं। भाई बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण का लगातार एक संकल्प के रूप में प्राथमिकता के आधार पर देश के अंदर काम चल रहा है। हम सब कैसे भूल सकते हैं, अभी अभी कुछ ही दिनों पहले देश के अंदर वो काम हुआ है हमारी माताओं बहनों के लिए, जो काम देश आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं करी कि उस काम को करें कि अपनी माताओं बहनों के लिए नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के अंदर पास कर दिया, बिल बना दिया, कानून बना दिया, हर जगह माताओं बहनों की जो है उनके लिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर दी। भाई बहनों, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना हो या फिर जनधन योजनाओं में हमारी माताओं बहनों के खाते खुलवाने का काम हो, या स्वच्छ भारत के तहत इज्जत घर बनाने हो, शौचालय बनाने हो, या हर किसी को रसोई गैस का सिलेंडर देना हो, हम या महिला सुरक्षा की बात हो, सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बृहत कार्य किया है। मैंने कल ही हमारी 167 जो आंगनबाड़ी की मिनी सहायिकाएं थी उन सभी को सुपरवाइजर के पद पर उनको नियुक्ति हो गई है। उत्तराखंड पहला प्रदेश है भाई बहनों कि जिन पर जहाँ की सहायिकाओं को और आंगनबाड़ी की सहायिकाओं को और मिनी सहायिकाओं को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त करने वाला उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहाँ पर हमने इस प्रकार की व्यवस्था की। ये काम भी नवरात्र के अवसर पर हुआ। आंगनबाड़ी बहनों का लंबे समय से मानते ही नहीं पड़ा था, मिनी आंगनबाड़ी बहनों का लंबे समय से मानते ही नहीं पड़ा था। भाई बहनों,
ये हमारी ही सरकार है, आपकी सरकार है, जिसने उन बहनों का भी मानदेय बढ़ाने का काम किया है। लंबे समय से रुका हुआ है मानदेय, बेटी के जन्म से लेकर महिलाओं की सुरक्षा तक के लिए आज सरकार सजग है। हम अनेकों काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आज हमारी माताएं बहने बहुत सारे स्वरोजगार के काम कर रही है, स्वयं सहायता समूह चला रही है, लखपति दीदी योजना में हम काम कर रहे हैं, होम स्टे हमारी बहने बढ़ा रही है, इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन उत्पादों को खरीदने के लिए पूरे देशवासियों का आह्वान किया है कि आप अपनी किसी भी धार्मिक यात्रा में जा रहे हो, किसी यात्रा में जा रहे हो, तो आप किसी धार्मिक काम के लिए जा रहे हो या देश के अंदर कहीं भी आप जा रहे हो, तो आप टोटल जितनी धनराशि आपकी खर्च होती है उस धनराशि का 5% भाग हमारी उन माताओं बहनों के या हमारे स्थानीय स्तर पर बनाए जाने वाले भाइयों के उत्पादों को खरीदने में लगाइए। भाई बहनों, ऐसे अनेकों कार्य हम आज कर रहे हैं। मैं जानता हूं हमारे जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनके जीवन में काफी संघर्ष रहा है, पूर्वी पाकिस्तान से आए, लेकिन राष्ट्र प्रेम की जो भावना है उससे ओतप्रोत आप सबके अंदर जो राष्ट्रभक्ति भरी हुई थी, जो आपके अंदर एक मनुष्यत्व को भरा हुआ था, उसके कारण से आपने कठिनाइयों को अंगीकार किया, कठिनाइयों का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया, संघर्ष किया, लेकिन आपने कभी भी हार नहीं मानी, डटकर सामना किया, और इतना ही नहीं आपने विजय भी प्राप्त। इसी का प्रतीक है कि आज हमारे पूरे इस उधम सिंह नगर के अंदर, चाहे आज ये थाना पता हो या हमारे और स्थान हो, हर स्थानों पर हमारा बंगला समुदाय पूरी तरह से आज फल फूल रहा है, अपने को विकसित कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। आपके आपके राज्य के मैं आप सबके बीच से ही निकला हूं। मैंने बचपन से बंगाली समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे भरवाट का समाज हो, चाहे पूर्वांचल का समाज हो, चाहे हमारा मारवाड़ी समाज हो, हम सभी समाजों के बीच में रहकर यहाँ से मैंने अपनी शिक्षा के प्रारंभिक दिनों को आगे बढ़ाया है। इससे मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि आपकी जितनी यहाँ की समस्याएं हैं, जितनी यहाँ की परेशानियां हैं, उन सबको मैं भली भांति जानता हूँ। और मैंने जिस दिन पदभार संभाला था, जिस दिन मुझे दायित्व मिला था, तब से मेरा लगातार ये प्रयास रहा कि अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, माताओं बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए एक एक पल और एक एक क्षण राज्य की सेवा में समर्पित करूं, समाज के हर वर्ग को ऊंचा उठाने का प्रयास कर सकूं। उत्तराखंड में रहने वाले हमारे बंगाली परिवारों की हर से लंबे समय से कई मांगे लंबित थी, हमारी सरकार ने उनको पूरा करने का प्रयास किया है। भाई बहनों, आप सबको पता होगा, एसपी अरोड़ा जी बैठे हैं, हमारे रामपाल जी बैठे हैं, कमल जिंदल जी बैठे हैं, प्रेम सिंह राणा जी भी हमारे साथ विधायक थे। तो उस समय में जो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट बनता था, उस सर्टिफिकेट में पूर्वी पाकिस्तान शब्द लिखा जाता था पीछे से। आप सबको मालूम है पूर्वी पाकिस्तान शब्द लिखा जाता था, जरा बताइए कितने लोगों को पता है? सब लोगों को पता है, कार्तिक जी तुम्हें पता है, सबको पता है, हटा दो उसे। और ये कलंक था, ये पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाना कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट में सुरजन भाई, ये बड़ा कलंक था, कलंक था ना। इस कलंक को हटाने का काम भी आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार ने किया है। जिंदाबाद। अभी नजूल भूमि का मामला, वह भी लंबे समय से चल रहा था। नजूल भूमि का जो ये मामला है, इस नजूल की भूमि के मामले को भी आज उनका हक दिलाने का काम हमारी ही सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, उसको भी आगे बढ़ाने का काम हमारी ही सरकार कर रही है। और मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों विभाजन बीबीसी का आप सबको पता है, जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बना, तो पूर्वी पाकिस्तान बनते समय वहां के बड़े बुजुर्ग, कितनी माताएं बहने उनके साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ, किस प्रकार का दुराचार हुआ, किस प्रकार उनके साथ खराब व्यवहार किया गया, हमारे कितने ही लोग जिनका तर्पण तक नहीं हो पाया था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने
देश के अंदर विभाजन विभीषिका, यानी कि वह दिन, ये जो कठिन दिन था, उस कठिन दिन को याद करके उनकी स्मृति में यह दिवस मनाने का संकल्प लिया था। भाइयों बहनों, हमने बंगाली समाज के लोगों का इस बार बहुत बड़ा विभाजन विभीषिका दिवस हमने स्मरण दिवस के रूप में मनाया, और वहां पर हमने ऐसे लोग जिनका तर्पण भी नहीं हो पाया था, जिनके परिवार के लोग आ गए, कुछ छूट गए, कुछ पिछड़ गए, कुछ वही दिवंगत हो गए, उन सब की आत्मा की शांति के लिए हमने प्रार्थना की। हमने वहां पर उनके लिए कहीं ना कहीं उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए हवन किया, और इसके साथ साथ जिला हेडक्वार्टर पर बंगाली संस्कृति पर आधारित बंगाली समाज को समर्पित बंग भवन बनाने का भी संकल्प लिया है। ये बंग भवन बनाएंगे, और साथ ही साथ विभाजन विभीषिका स्मृति स्थल यह भी बनाने का हमने संकल्प लिया है कि हम विभाजन विभीषिका दिवस की स्मृति में वहां पर एक स्थल बनाएंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां उनके उन संघर्षों को जाने, उनके बलिदान को जाने कि कितनी कठिनाइयों से वो पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहां तक पहुंचे थे, उनके पूर्वजों ने कितना बड़ा संघर्ष इसके लिए किया था। अभी भाइयों बहनों, हमने पूर्वी पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल हर लिहाज से अनावश्यक था, इसलिए हमने इसको हटाने का निर्णय लिया था और आपकी ये मांग पूरी की थी। भाइयों बहनों, हम सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं, और इसलिए हम केवल और केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि जो सीमा के पार हमारे हिंदू भाई, बंगाली भाई, सिख भाई, जैन भाई, बौद्ध भाई रह रहे हैं, उन सभी के बारे में भी हम गंभीरता से सोचते हैं, संवेदनशीलता से सोचते हैं। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, बांग्लादेश समेत हमारे पड़ोसी देशों में रह रहे आज इस समाज के, चाहे हिंदू समाज के लोग हो, बंगाली समाज के लोग हो, सिख समाज के लोग हो, या बौद्ध समाज या जैन समाज के लोग हो, उनकी दशा हम सबसे छिपी हुई नहीं है। किस प्रकार की प्रताड़नाओं का उनको सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए भारत सरकार के अंदर CIA का कानून भारत की सरकार लेकर आई कि उनको जो है अगर हमारे देश के अंदर आना होगा तो यहाँ की नागरिकता देने का काम भी सरकार करेगी। उन पर हो रही आत्माओं को देखते हुए माँ भारती के सच्चे सपूत हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस नए भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमने संकल्प लिया है, और ये संकल्प हम सारे समाज के लोगों के कारण ले रहे हैं, उनके सहयोग के कारण ले रहे हैं, उनके आशीर्वाद के कारण ले रहे हैं, आपकी माताओं बहनों के, आपके, आपकी ताकत और आपकी ऊर्जा के कारण ले रहे हैं। अब हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे हर क्षेत्र में प्रदेश आज प्रगति की ओर जा रहा है, जहाँ हमारी माताएं बहनें आगे बढ़ रही हैं, हमारे नौजवान विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, उपक्रम के क्षेत्र में भी बढ़ रहे हैं, उद्यम के क्षेत्र में भी बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए हमने अभी राज्य के अंदर दिसंबर माह में 8 और 9 तारीख को इन्वेस्टर ग्लोबल समिट, जिसमें कि निवेश को आमंत्रित करने के लिए एक बड़ा आयोजन हम करने वाले हैं। भाई बहनों, केवल हम आयोजन ही नहीं करने वाले, आयोजन से पहले हम बड़ी बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में निवेशकों को लाने का काम भी कर रहे हैं। अभी तक हमने 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेशकों के साथ करार कर लिए हैं। हम इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड के अंदर हमारे करार हुए 12,000 करोड़। हम अभी अबू धाबी, दुबई, खाड़ी के देशों में गए, वहां भी हमारे 15,000 करोड़ से अधिक के निवेश के हमको करार हमारे साथ वहां के लोगों ने किए। अभी हमको अन्य भी बहुत सारी जगह से निवेशकों के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बड़ी संख्या ग्राउंडिंग के रूप में, यानी कि धरातल पर हमारे उद्योग धंधे उतरेंगे, काम आएगा, हमारे यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को, हमारी माताओं बहनों को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। और हम इसमें भी प्राथमिकता उन्हीं को दे रहे हैं जो रोजगार का सृजन अधिक से अधिक करेंगे, हमारे यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार से अधिक जोड़ने का काम करेंगे। हर क्षेत्र में आज हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस हमारे राज्य को लेकर है, और उन्होंने एक अवसर पर भी अनेकों अवसर पर राज्य के बारे में उनकी अपनी कितनी निकटता है, कितना ये राज्य उनके मन में बसता है, आप सब देख सकते हैं। प्रातः काल 6 बजे से वो यात्रा करते हैं,
और रात्रि के 10 बजे अपने आवास पर वापस पहुंचते हैं, एक मिनट रुके बिना, थके बिना, और दिन में बिना भोजन किए हुए, बिना चाय ग्रहण किए हुए उन्होंने आदि कैलाश भगवान भोलेनाथ की नगरी में जाकर, कैलाश आदि कैलाश में जाकर, पार्वती कुंड में जाकर, गुंजी जैसे सीमांत क्षेत्र में जाकर, या बाबा के धाम जागेश्वर धाम जाकर, और सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ के लोगों से मिलते हुए पूरा अपना दिन हम सबके बीच में बिताया, हमारे यहाँ के पर्यटन को बढ़ाने का अवसर दिया, और आदि कैलाश की यात्रा बढ़ गई है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसी मार्ग से यात्रा शुरू हो गई है और अब वहां पर लोगों के जाने का क्रम बढ़ता जा रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रही है। आने वाले समय में जैसे चार धाम यात्रा चलती है भाइयों बहनों, उसी तरीके से मानसगढ़ की यात्रा भी चलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबके द्वारा, हमारे सभी समाज के लोगों के द्वारा जो हमको हमेशा सहयोग अपना आशीर्वाद दिया जाता है, दिया जाता रहा है, वो आगे भी दिया जाता रहेगा। अभी हमारे भाई प्रेम सिंह राणा जी ने और हमारे कमेटी के अध्यक्ष सुजन राय जी ने यहाँ पर कहा है इस स्थल को, इस स्थल का बहुत ही भव्य और दिव्य निर्माण होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि ये मंदिर ऐसा बनना चाहिए, इतना व्यवस्थित बनना चाहिए कि मानस खंड की जो हमारी संकल्पना है उसी मानस खंड की संकल्पना में ये मंदिर भी जुड़ेगा, और आने वाले लोग अनेकों स्थानों से जो हमारे नानक पिता गुरुद्वारा साहब आएंगे दर्शन करने के लिए वो यहाँ पर मंदिर देखने के लिए, इसके लिए जो भी आवश्यक धनराशि होगी इसका डीपीआर बनाया जाएगा, अच्छे से जो है इसकी एक रचना की जाएगी, इसका नियोजन किया जाएगा, उसमें 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए या 70 लाख रुपए जितना भी लगेगा वो धनराशि सरकार की तरफ से दी जाएगी और इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा आप सबके द्वारा इस पूरे क्षेत्र का एक छोटा मास्टर प्लान बनाकर उस पर काम किया जाएगा। आप सबके द्वारा अन्य भी मुझे बहुत सारे प्रस्ताव यहाँ पर दिए गए हैं, मैं उन सभी प्रस्तावों को लेकर जा रहा हूँ और इन सभी को आगे के कामों के रूप में प्रस्तावित करूंगा। एक बार फिर से मैं आप सभी को अपनी तरफ से, कल विजयदशमी है, आज रामनवमी है, विजयदशमी और नवमी की बधाई देते हुए आने वाले त्योहार भैया दूज या गोवर्धन पूजा है और दीपावली है, सभी की मैं आपको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय, भारत माता की जय, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, काली माता की जय, काली माता की जय।